दोस्तों स्वागत है आपका। मैं गौरव विश्वकर्मा भोपाल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से। हम जेसीबी के ऑथराइज डीलर हैं। हमारे पास जेसीबी की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरे में, और आपको डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करने वाले हैं जेसीबी के एक्सकेवेटर के बारे में। ये 205 करके आता है, जेसीबी 205 करके ये मॉडल आता है, एनएक्सटी सीरीज़ की मशीन है। तो इसमें आपको ड्राइवर के कंफर्ट से लेके और आपकी प्रोडक्टिविटी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, उनके बारे में हम डिटेल से एक बार चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सर इसके बकेट से। तो आप देखेंगे कि इसमें हैवी ड्यूटी बकेट दिया गया है, जो कि 0.9 क्यूबिक मीटर का है। हैवी ड्यूटी मतलब कि जो हैवी रॉक वगैरह के लिए यूज़ होता है पर्टिकुलर, आपको अच्छा ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन वाला हैवी ड्यूटी बकेट मिल जाता है, जो कि अच्छे ब्रेकआउट फोर्स के साथ में मशीन काम करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें ग्रेफाइट बसेज लगे हुए हैं। इन जनरल जो नॉर्मल बसेज आते हैं वो उसकी बुशिंग में प्रॉब्लम्स आती है, बुशिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें ग्रेफाइट बसेज का क्या फ़ायदा होता है कि बूम के दोनों सेक्शन पे ग्रेफाइट बसेज होते हैं। यहाँ पे ये फ्लोटिंग टाइप बस बोलते हैं इसको। उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, उसमें ग्रेफाइट की रॉड्स डली रहती हैं। इनकेस ऑपरेटर आपका ग्रीसिंग रेगुलर नहीं भी करता है तो भी वो बस जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, उनकी लाइफ साइकिल अच्छा रहता है। तो जनरली फ्लोटिंग टाइप बस जो इसमें आता है नीचे, इसका जो प्रॉफिट है वो ये है कि आप जब भी आपका बस लूज होता है तो आप सिंपली 4 बोल्ट खोल के, इसकी प्लेट्स रहती हैं, इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स रहता है, एक एक सिम निकालते जाएंगे और ये टाइट होता जाएगा, तो इसकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब जल्दी ये जो पेयर है ख़राब नहीं होगा। अदर देन जब हम आएंगे इसके आर्म सेक्शन पर, तो ये 2.4 मीटर का आर्म है, तो जो आपको अच्छी रीच प्रोवाइड करता है। इसमें बूम सेक्शन जो है वो 5.7 मीटर का है, तो आपका डिगिंग रीच बहुत अच्छा जाता है। टोटल अप्रॉक्सीमेट अगर आप डेप्थ की बात करें तो आपको काफ़ी डेप्थ तक ये खोदने के लिए ऑफर की जाती है ना। अदर देन जब हम इस पर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो ट्रैक शू है वो 600 mm चौड़ा है, जो कि मशीन को स्टेबल बनाता है, काफ़ी स्टेबल मशीन है ये। अंडर कैरेज जो है वो हैवी ड्यूटी अंडर कैरेज है, इसमें वर्को का ट्रैक शू है, वर्को का ही ट्रैक लिंक इसमें यूज़ किया गया है, तो हैवी ड्यूटी अंडर कैरेज है इसका। इसमें जो स्विंग डिवाइस लगा हुआ है अंडर कैरेज पे जो माउंटेड रहता है, वो आपका 13 राउंड पर मिनट की स्विंग स्पीड इसको प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्विंग स्पीड है, जिससे आपका लोडिंग का काम जो है वो काफ़ी फास्ट होगा। विथ 140 हॉर्स पावर के कमिंस के इंजन के साथ में ये मशीन आती है, जो कि 6 सिलेंडर इंजन है बेसिकली। अभी दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसके जो सर्विस एक्सेस के बारे में, जो भी ऑपरेटर या हेल्पर जो भी रहेगा उसको जब भी मेंटेनेंस रिलेटेड या इंजन से जो भी चेकअप करना है तो उसको ऊपर जाने के लिए इसमें फुटपैथ दिए हुए इस तरफ भी है, जो कि दोनों साइड है मशीन के। आपको अगर ऊपर जाना है तो आप इजीली इनके थ्रू आप चढ़ के ऊपर जाके और जो अपर जो क्राइटेरिया है वो एक्सेस कर सकता है। वो हाइड्रोलिक ऑयल का हो गया, फ्यूल का पंप हो गया, फ्यूल का जो टैंक है वो हो गया। इसमें जो फ्यूल टैंक मिलता है वो आपको 343 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि काफ़ी कैपेसिटी उसकी अच्छी है, तो आपका रेगुलर जहाँ पे काम है तो वहाँ पे आपका फ्यूल जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अदर देन आपका जो ट्रैक है वो काफ़ी हैवी अंडर कैरेज है इसमें, जो कि आपका जहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ के लिए बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। और इससे जैसे ही हम आगे आएंगे तो आप यहाँ हाइड्रोलिक्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए इसमें ये इको हाइड्रोलिक्स है बेसिकली, ये आप जो मशीन है ये आपको इंजन और हाइड्रोलिक्स को जो माउंट करने के बाद 10 अलग अलग पावर मोड आपको प्रोवाइड करती है। जितना ज़रूरत है ऑपरेटर को जो पावर का उतना ही वो यूज़ करे, उसके लिए उसके पास 10 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। जहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल है तो वो अपना पावर मोड डाउन करके इंजन के आरपीएम को कम ले जाके अपना काम करेगा, जिससे आपके फ्यूल की बचत होगी, मशीन में अननेसेसरी वाइब्रेशंस नहीं होंगे, रनिंग नहीं होगा, तो मशीन की लाइफ अच्छी रहेगी। अदर देन इसमें जो हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, ये कवासाकी का पंप है, जो कि आपके कमिंस के इंजन के से अटैच रहता है, 140 हॉर्स पावर का कमिंस का इंजन है। इसका जो ऑयल का फ्लो की बात करें, दो पंप लगे हुए हैं बेसिकली, दोनों का जो ऑयल फ्लो होता है पर पंप 220 लीटर पर मिनट होता है एक पंप का, तो ये अच्छा ऑयल फ्लो आपको दोनों पंप का मिला के 440 लीटर पर मिनट हो जाता है, जिससे आपका स्विंग स्पीड हो गया, आपका ब्रेकआउट फोर्स हो गया, वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। इसमें एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर को एक कैपेसिटी को मतलब स्टोर करके रखता है फॉर इमरजेंसी केसेस। कभी आपको जैसे मशीन इन केस किसी चलते टाइम किसी कारण से फ्यूल खत्म हो गया है, बंद हो जाती है, तो आप उसको क्लोज डाउन पोजीशन में ला सकते हैं। आप उसको जो भी ओपन बूम आर्म अगर ओपन पोजीशन में है तो उसको क्लोज कर सकते हैं, सो दैट कि आगे जो साइड पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी इसमें ध्यान रखा गया है। और इसके बाद
इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये जो इसका जो वेट है 20,500 किलोग्राम वेट है टोटल मशीन का, 205 जो हमारी SC जो वेरिएंट आता है उसका, तो ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है कि आपका जैसा भी आप स्टेबिलिटी के लिए जो चाहिए होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, मशीन का वेट बहुत मैटर करता है। अच्छा वेट रहेगा तो स्टेबल रहेगी और डिगिंग फोर्स अच्छा लगा पाएगी जिससे कि मटेरियल ब्रेकआउट कर पाएगी। ब्रेकआउट इन द सेंस कि वो जो ब्रेक करके जो आउट निकालता है बकेट मटेरियल को, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। अदर देन जो चीज़ें हैं आपको जो भी एक्सेस करने के लिए ऑपरेटर या हेल्पर को, वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, जो आप सिंपली ऐसे ओपन कर सकते हैं उसको। तो उसमें बेसिकली क्या रहेगा कि आपको एयर फिल्टर जो हो गया, एयर फिल्टर यहाँ पे दिया गया है, ये सिंपली क्लेम माउंटेड वाला एयर फिल्टर है। जो नॉर्मल मशीन में आता है वो बोल्ट वाला आता है, सिंगल बोल्ट वाला, जो कि कुछ समय के बाद लूज़ हो जाता है जिससे कि डस्ट जो है जाने का खतरा बढ़ जाता है और वो प्रॉपर क्लीन या एयर प्रूफ नहीं रह पाता, तो वो प्रॉब्लम देता है। लेकिन इसमें क्लेम टाइप का दिया हुआ है तो सिंपली आपको क्लेम खोलना है, फिल्टर बाहर निकालना है और उसको क्लीन करके दोबारा लगा देना है। आप अदर देन जब आओगे तो इसमें दो बैटरी लगी हुई हैं जो कि आपको भी मशीन को इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करती है स्टार्ट होने के लिए और अदर चीज़ें एक्सेस करने के लिए। जब भी कभी इसमें आपको कहीं पे जैसे हार्ड फेसिंग कराना है बकेट में, या बकेट में कोई भी बेल्डिंग वगैरह का काम करवाना, तो इसमें एक कट ऑफ स्विच दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको रोटेट करके इसको निकालेंगे तो ये जो बैटरी से जो भी सप्लाई जा रही थी करंट की, वो सारी शट डाउन हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। मतलब इससे आपको आग आग लगने का कभी कोई खतरा ऐसा रहेगा नहीं। तो ये सिंगल स्विच है, आप देखिए एक की है कि आप जैसे इसमें इंसर्ट करके इसको रोटेट कर देंगे तो ये सब चीज़ें वापस रनिंग पोजिशन में आ जाएंगी। इसमें आप देखेंगे तो रेडिएटर काफ़ी हैवी ड्यूटी रेडिएटर और अच्छा रेडिएटर आता है, जो कि इंजन के कूलिंग के लिए बहुत पावरफुल है। 140 हॉर्सपावर का इंजन है चूंकि, और 6 सिलेंडर इंजन है, तो उसको कूलिंग के लिए प्रॉपर चाहिए होता है, तो ये बहुत एक्सेसिबल है और अच्छा मजबूत दिया हुआ है। इसके अलावा एसी के लिए आप देखेंगे तो एसी के लिए जो पंप लगा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है ना, तो वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, जो कि आपको एसी केबिन में अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है ऑपरेटर को। अभी जैसे आप देखेंगे कि ये बेसिकली NXT सीरीज़ का मशीन है। NXT सीरीज़ का मतलब होता है नेक्स्ट लेवल ऑफ बिजनेस, कस्टमर का बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रिलायबल और लो मेंटेनेंस और फ्यूल इकोनॉमिकल मशीन बनाई गई है, इसलिए इसको इको भी बोलते हैं। तो इको इस पे सैंपल दिया हुआ है। जैसे ही ऑपरेटर इसको जब ऊपर चढ़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे आप देखिए कितना मजबूत डोर है और कितना इजी टू एक्सेस ओपनिंग है इसका। जैसे ही वो ओपनिंग करके और अपना डीलक्स इसमें सीट प्रोवाइड की गई है ऑपरेटर के लिए। जैसे आप देखेंगे तो इसमें जो लीवर्स हैं वो भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब वेरी स्मूथ टू ऑपरेट। आप देखेंगे ये सीट बहुत कंफर्टेबल है, जो कि हाइट एडजस्टेबल है, वो अपनी हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है और जो भी है सब चीज़ें इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकता है वो। आपका चाहे तो ट्रैक पे चलाना हो गया या बूम आर्म का मूवमेंट हो गया। अदर देन इसमें सेफ्टी के लिए अगर बात करें तो इसमें डबल हाइड्रोलिक लॉक सिस्टम दिया हुआ है, जो कि सिंगल आपका ये लीवर आता है, इससे पहले हाइड्रोलिक्स को अनलॉक करना होता है जब भी वो मशीन को एक्शन में लेके आएगा या जो भी ऑपरेट करेगा। तो सर देख सकते हैं आप लोग कि ऑपरेटर के लिए कितना कंफर्टेबल है। मैं जैसे बैठा हूँ, मेरा हेडरेस्ट भी मेरे को दिया हुआ है अच्छा खासा, इसमें काफ़ी स्पेस भी है, स्पेसियस केबिन है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। जो भी आसपास नियर बाय आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चल रहे हैं उनको देखने के लिए। अदर देन जैसे ही आप देखेंगे तो लीवर तो काफ़ी स्मूथ है, सीट आप आगे पीछे भी कर सकता है ऑपरेटर, इसको हाइट भी एडजस्ट कर सकता है, लीवर सारे रीच पे हैं। और हम बात करें तो इसमें एक ग्लव बॉक्स भी दिया हुआ है, जिसमें जो भी उसका जो भी इक्विपमेंट या जो भी आइटम उसको रखना हो वो रख सकता है ऑपरेटर। अदर देन इसमें एक केबिन लाइट दिया हुआ है, जो कि उसके एप्लीकेशन में काम आएगा जब भी इसको लगाएगा। तो इसमें म्यूजिक सिस्टम भी दिया हुआ है, इनबिल्ड है, जो कि म्यूजिक सिस्टम से वो जो भी उसका इंटरटेन का साधन दिया हुआ है। आप इसके अलावा इसमें रूफ टॉप में भी दिया हुआ है सनरूफ, जैसे आप वो चाहे तो इसको एक्सेस कर सकता है ओपन करके उसको, अगर एसी नहीं चलाना है तो वो यहाँ से भी ओपन करके ऊपर चीज़ें अगर देखना है तो वो देख सकता है। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है, जो 7 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें आप देखेंगे कि आप मशीन से रिलेटेड हेल्थ और सभी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें आपको शो होंगी। आपके मशीन के रनिंग आवर्स कितने घंटे मशीन चल गई है, इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे मशीन में काफ़ी सारे हैं। जो कि एक तो ये जो लीटर में फ्यूल मशीन जो आपको दिखाएगी, ये अदर देन कंपनियों में प्रोवाइड नहीं करते हैं। ब्रेकर जब आप इस पर यूज़ करेंगे तो ब्रेकर के लिए HMR अलग से सेपरेट बीच में मिडिल में दिखाएगा। मीटर कंसोल डेट और टाइम के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब भी आप ऑपरेटर से आप इसका फोटो लेंगे तो उसमें डेट और टाइम भी लिखाएगा, सो देट कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि इसमें अभी का फोटो दिया है या वाट एवर। और अदर देन अगर कोई मशीन में मेंटेनेंस आता है या मेंटेनेंस ड्यू है या नेक्स्ट मेंटेनेंस है, तो वो सब इस पर शो करेगा और
कलर कोडेड इसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ऑपरेटर अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो कलर कोडिंग आएगा तो वो उससे समझ जाएगा कि मशीन में कुछ तो भी हेल्थ का इशू है, तो वो उसका फोटो जो है आपको लेके भेजेगा। तो आप मेरी सर्विस टीम को भेजेंगे तो देन सर्विस टीम विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। और आफ्टर ऑल आप जब जैसे ही इससे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक आपको सिंपली एक की दिया हुआ है जिसको आपको रोटेट करना है, जिससे आपके जो 10 अलग अलग पावर मोड हैं जो मैंने बताया था डिफरेंट अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, वो आप इससे एक्सेस करके इससे मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं जो भी आपको जिस मोड में मशीन को चलाना है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। जब आप मार्चिंग करते हैं, सिर्फ मार्चिंग ही करना है तो सेफ्टी के साइड की और मशीन की सेफ्टी के लिए इसमें स्विंग लॉक का सिस्टम भी दिया हुआ है कि आप इसका स्विंग लॉक करके, स्विंग लॉक हो जाएगा, लीवर गलती से टच होगा तो भी ये स्विंग नहीं करेगा, सीधा आपका मार्चिंग पर चलेगा। इसके अलावा अगर ऑपरेटर को इसमें एक्सेस करना है तो वो ग्लास को भी इसको भी मतलब एक्सेस कर सकता है, ओपन कर सकता है। जैसे वो इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो आप देखिएगा कि ये पूरा जो है ओपन हो गया एरिया, यहाँ से उसको सीयर मिलेगा, पूरा सफोकेशन नहीं होगा। इनकेस अगर एसी नहीं चलाना है उसको या मौसम सर्दी का है तो वट एवर, खैर इसमें एसी में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों वेदर के लिए परफेक्ट मशीन है। ग्लास के आगे आपका पत्थर गार्ड दिया हुआ है, अगर कोई पत्थर आता है तो पर्टिकुलर साइज से बड़ा पत्थर इस तक टकराएगा ही नहीं, और ग्लास भी इतना मजबूत है कि जल्दी क्रैक होता नहीं है। ये नीचे से भी वो एक्सेस कर सकता है, जो नीचे का जो इसमें सिस्टम दिया हुआ है ये भी ओपनेबल है। अदर देन आप देखेंगे इसका जो ट्रैक के लिए जो पैड दिए हुए हैं ये भी बहुत स्मूथ और काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब उसकी रीच के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो काफ़ी ऑपरेटर की काफ़ी सेफ्टी का और उसके कम्फर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। ऑपरेटर को चढ़ना कैसे है, उतरने के लिए जो पूरा जो उसके कंफर्ट का है पूरा ख्याल रखा गया है मशीन का। तो जैसे आप अगर देखेंगे तो ऑपरेटर को स्मूथली उतरने का और चढ़ने का, स्मूथली ऑपरेशन का, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा गया सो देट कि ऑपरेटर थकेगा कम तो प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों मैंने जेसीबी के जो 205 मॉडल है उसका मैक्सिमम जो फीचर्स है वो कवर कर लिए हैं। इसमें एक अदर देन फीचर और छूट रहा था, लाइव लिंक का, जो सिस्टम पर इन्फॉर्मेशन आपको देता है सो देट कि आप मशीन का जहाँ भी ऑपरेशन हो रहा है उसको एक्सेस कर सकें और या ट्रैक कर सके। हमारे भोपाल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हम जेसीबी के ऑथराइज डीलर हैं। इसका जो प्राइसिंग आता है अप्रोक्सीमेटली अभी जो चल रहा है 2022 में, मैं नवंबर में अगर आप डिस्कस करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 58,50,000 के आसपास में आपको मशीन पड़ रही है, 205 नियर बाय इंदौर। वो समय के साथ में चीज़ें चेंज होती रहती है, जब भी आप संपर्क करेंगे तो आपको उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।